आज के बाद मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा, उसका भी रीज़न है तो आपको सारी बातें बताऊंगा कल। मैं सरोज के ना पेट में दर्द था पथरी का। दर्द मत आराम है, वैसे उसका ना इंजेक्शन का गैर सा था, वो मैंने बंद कर दिया था कुलदीप मलिक वाला। फिर बाद में मैंने सरोज कुलदीप सरोज वाला भी बंद कर दिया। अभी हम तो देख लो बिल्कुल सिंपल से बंदे, हमारे से तो वो दिखाया दिखावा होता नहीं है ना। दिखावा करना भी नहीं अपना ना है, सब्सक्राइबर जब भी प्यार करा दिखावा नहीं करा। बनानी मूली की कुछ रखा सब्सक्राइबर ना है। बाकी की बातें ना आपको मैं कल का जो ब्लॉग आएगा ना उसमें सारी बातें बताऊंगा। घर पे कहीं भी काम करता हूँ ना तो मेहनत करके खाता हूँ मैं। मेरे बारे में और मेरी बीवी के बारे में जो बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है। मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ ना, तो मेरे बारे में मत बोलो। जैसे दिखा दिखा ब्लॉग में मेरा नाम बदनाम कर दिया मेरा, जैसे पता नहीं मैं तो कितना बड़ा नशेड़ी हूँ। रोटी खाता होगा या कच्चा आटा खाता होगा, घी लगाया ऐसे करके, ऐसे करके उल्टी दिमाग में कमी थी। हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। वेलकम बैक सरोज मुस्कान ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज के बाद मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊँगा और सरोज मुस्कान पे ही ब्लॉग डालूँगा, उसका भी रीज़न है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। कल फुल ब्लॉग जो आएगा ना आप मेरा, तो आपको सारी बातें बताऊँगा कल मैं। तो यहाँ पर मैं आया था सुबह, मतलब रात को चला था 2:30-3 बजे करीब। तो सुबह मैं 7 बजे पहुँचा हूँ, 8 बजे तो सो गया था। तो सरोज की मतलब तबीयत ख़राब थी, सरोज के ना पेट में दर्द था पथरी का। तो अभी सरोज कैसी है तबीयत? दर्द मत आराम है, वैसे उसका ना इंजेक्शन का गैर सा हो रहा। इंजेक्शन का असर होगा ना अभी। हाँ तो भाई यहाँ पर ना हमारी बार की ना टूटी टूट गई है, एक एक फ्लैश की टूटी टूट गई है, वो भी लगाएंगे और वो भी चीज ले रही है। ये थोड़ा मना जीत सारा ना, तो उल्टी आ रही ना, और एक नींबू भुजिया मंगवाई। चल योज मोला हवा लेकर तो आप खतरा आई, फिर दर क्यों रहे? क्यों ना बोले पार्क चलोगे मम्मी? मैं बोले पार्क मेरी आज हिम्मत तो है को नहीं। हाँ, कल कल रात का तो दर्द हो रहा है मेरा, बस वार चली गई। फिर बोलू बोलू खोल दी पापा जी, खोल दी, लगाओ। लगाऊं दे मैं ये कदी चूड़ी वो कर दे, लगा दो। ये भी भरना पड़ेगा इसका साथ, ये भरना पड़ेगा किसी चीज के साथ। गाइस अभी 20 लगा दी हमने पूरी फिक्स। मोटर चला के दिखाओ, मोटर चलानी पड़ेगी पर ऊपर 20 खोले दे, चेक करके देखी थी। कौन सी? बाथरूम वाली ऊपर पानी बंद करके आ जा जी। अभी टूटी लगा दी, और कुछ है काम? नहीं और तो नहीं है। हैं? नहीं। चाय पीनी है? प्यार दे थोड़ी। गोलू हां जी, तेरी मम्मी के लिए चाय बना दे बढ़िया सी। ठीक, आप भी पियोगे? ना मैं नहीं पी रहा। ठीक है, पंखा बंद करा क्या? ऊपर का पंखा चलन दे, कनक है ना, कनक वो हो जाएगी। ठीक, सूख जाएगी। कल धोई थी। हाँ। हमको लगा सूख जाएगी, 2 दिन धूप आ जाएगी। बारिश का मौसम है, कल बारिश थी आज बारिश ही नहीं आई। आया था ने चंडीगढ़ से रात ने, तो अम्बाला से और नरवाना तक बारिश थी। तो बस में आया अम्बाला, अम्बाला से और अम्बाला बारिश थी फुल। अम्बाला से नारदून और नरवाना तक फुल बारिश थी गाइस। कल ऊपर कपड़े है के बारिश आ गई? कपड़े तो कौन धोए आज, कणक थी वो भी इधर आई अंदर। दवाई ले पहले तो। दवाई ले तो रखी, कितने की लेऊं? कितने की गोलू? दवाई लाके देती मम्मी ने। और लाके दूं ना? मैं लेके आया था 2 गोली है, मैं जबरदस्त वाली वाला दे दिए। कहाँ पे रखे? इंजेक्शन भी रखा है। तो गाइस अभी मम्मी की तबीयत खराब, इसलिए हम बना रहे हैं मम्मी और पापा हमारे सब के लिए ब्रेक रात का डिनर। तो मुस्कान भेज रही है, मैं साथ के साथ सेक कर रहा हूं। वो चिमटा रखा हो यहां पे, वो दे दे मुकुले। आधे साथ के साथ खा ले, खाना खा लो बेटा। अभी नहीं। और कब खाएगा? अभी मैं मूंगफली खा रहा हूं। मूंगफली खाने के बाद खा लियो, ठीक है? ठीक। पानी ना पियो मूंगफली। हाँ, मूंगफली पर पानी मत पियो, खांसी हो जाएगी। ना खांसी को नहीं होया करे बेटा। ठीक, खा ले। खाऊंगे, सारे गले खा लेंगे, बना मत हो बालक। गर्मा गर्म खा ले, तेरा तो दाम जड़ को नहीं। चलो कोई बात नहीं, खा ले। कौन है भाई? मम्मी का है दाम जड़? तो मेरे कहानी है, मम्मी कहानी है। जा मैं बात फोन करता तेरे तक। ये देखो मैंने रोटी बनाई है। किसने बनाई है? मैंने बनाई है। घी तो मैंने लगाया है। फिर क्या?
घी के बिना रोटी थोड़ी मानी जाएगी। घी के बनाने के बाद रोटी खाता होगा या फिर चाटा खाता होगा? बनाने के बाद खाऊंगा तो घी देगा, घी लगाया ऐसे करके, ऐसे करके उल्टी दिमाग में कमी थी तेरी, उल्टी रोटी चौपड़ी है। बताना पापा जी उल्टी है सीधी, ये उल्टी है या ये उल्टी थी? बेरा होने उसने, बेरा मुस्कान ने जी। अभी आया हूँ मैं होटल पे सब्जी लेने के लिए, मैंने ना होटल से सब्जी ले ली है और सीधे चलते हैं घर, बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो जी हम आ गए हैं घर, लो रख रखे, वेट कराते हैं आपका। अच्छा दाल लो, आज आसी की सबसे मशहूर दाल खिला रहा हूँ। हाँसी में सबसे, तो गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हाँसी में सबसे मशहूर दाल एक ही बंदे की है, वो है पंजू का होटल, और लाइन लगी रहती है उस पे। कान है आजा, छोड़ दे फोन ने, मेरे भूख ही नहीं है। क्यों, बनाते बनाते पेट भर गया? नहीं वैसे ही भूख नहीं है। आपको भूख है? हाँ जी। आपको? मेरे को पहले नहीं थी, दाल देख कर लगी। आजा बेटा एक आधी खा ले। ये मिर्च कौन सा होगा? बोलो खाना नहीं खाते तो ठंड है। देखो ठंड में सब कुछ जायज है, कोई नाजायज नहीं है। तो यहाँ पर सरोज ने बेसन की सब्जी बना रखी थी सरोज ने, तो मेरे को बेसन की पसंद नहीं है। आप खा कर देखिए एक बार। तो मैं अपनी भाई फेवरेट जो दाल लेके आया हूँ। तो ये भी दाल लग रही है। हैं? ये भी दाल लग रही है। ये दाल? ये बेटा तेरी मम्मी की वो है बेसन की सब्जी, क्या बोलते हैं पकौड़ियाँ। ये देखो वे होती है देखिए बड़ी। तो जी यहाँ मक्खन आ गया, सलाद आ गया, फिसल और यहाँ पर मुस्कान निपटा देगी अभी। अभी हम तो देख लो बिल्कुल सिंपल से बंदे, हमारे से तो वो दिखाया दिखावा होता नहीं है ना। दिखावा करना भी नहीं, अपना ना है सब्सक्राइबर जब भी प्यार करा दिखावा नहीं करते। चलो भाई चलो चलो करो, तुम तीनों तम तीनों माँ बेटा एक में खाओ, आम बाबू बेटा एक में खा लेंगे। मैंने भुजी बनानी मूली की, कुछ रखा सब्सक्राइबर ने, मैंने एक बार दिखाई थी तो उन्होंने बोले आपने दोबारा रेसिपी बनाना, आपकी भुजी भी बड़ी मस्त बनी थी गणेश की। चल बना दिए भुजी ने की है, चार पत्ते ही काटने गई, क्या आप इसके पीछे पड़ रहे हो, मेरे से पूछ लिया करो। गाइस अभी खाना हो गया डन, ये खाना खा लिया सभी ने, खा लिया। सो जाओ फिर, सो रहे हैं अभी बिछाएंगे, अभी तो बर्तन बुर्तन धो के आएंगे। बर्तन मुकल तो होगा कि भाई, बर्तन धोते नहीं छोड़ते हैं बर्तन भाई, भाई तो हम मुस्कान दोगे बर्तन, मैं करूंगा रसोई साहब, उसके बाद फिर अपना तैयार करूंगा। कई बार मैं बर्तन धोता हूं, कई बार दीदी भाई मना करता। क्या हो गया? आपने भेजा था ना भाई छुट्टी होने के बाद ले आई दीदी को, वहाँ पे जाके कहते छह बजे पूरे करेक्ट छह बजे पहुँचा, कहते मैडम जी पापा कह रहे कि ना दीदी को घर पे भेज दो। आपने ऐसे कहा था ना ले आई हो, बारिश आ रही है, मैंने जाके बोल दिया मैम जी पापा कह रहे भेज दो। तो काम तो करने देता बेटा, तो ले तो आया काम तो करने देता। मेरे को यहाँ पता था इसके दो वे रह रहे हैं, क्वेश्चन करवाने के लिए कर ले खड़ी हो ले, खड़ा हो बाइक काम करवा चल, बेरा घंटा ट्यूशन हो गई है स्कूल में ही होया करती एक आधी बार सर दे दिया कर दे दिया कर दे, ये तो कुछ भी आम सबेरा ना पानी की टोकरी लेन दे गोबर गिर दे झाड़ू काट दे, आम तो सबेरे सबेरे तकती पहुंच के जाया करते स्कूल लग सुख जाया करती। इतना काम करके ना मैं छठी सातवीं आठवीं में और फिर स्कूल में जाया करती रात में, और फिर भी इतनी मां नहीं आठवीं में फैल निकली। ओ मैं तो पास हूं आप ही लिखते हो सर, मैं तो आठवीं लग गया है कोई नहीं, हम तो सारे फैल आठवीं में। कौन? हां जुनू नहीं मेरा बाबू रे, अरे दसवीं बाबू, फिर मैंने बाबू लग की थोड़ी कही है, फिर नुकू करके भाई तो मेरा बाबू ने बेटा कितनी पास कर रखी है। ये देख लो प्यार, सभी का प्यार देख लो इतना, पापा जी हल्दी गरम वो कर रहे बेटा, हल्दी और तेल और जो दवाई है ना वो लगा दे इसके थोड़ी सी और ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा तो ठीक होगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने ना देखो कई जने बोलते है भाई मेरे दम पे खा रहे हैं, देखो
ठीक है, किसी ने, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैंने पहले चैनल बनाया था वो मैंने बंद कर दिया था, कुलदीप मलिक वाला, फिर बाद में मैंने सरोज, कुलदीप सरोज वाला भी बंद कर दिया मैं, चलो हैं। तो बाकी की बातें ना आपको मैं कल का जो ब्लॉग आएगा ना उसमें सारी बातें बताऊंगा ए टू जेड। मैं किसी का वो नहीं कर रहा भाई, मैं किसी के दम पे नहीं, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं भी काम करता हूँ मैं, कहीं भी, मैं ये नहीं बोलता भाई मेरे घर पे, कहीं भी काम करता हूँ ना तो मेहनत करके खाता हूँ मैं। आज का ब्लॉग ना हम यहीं एंड करते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जब तक, करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और जल्दी जाकर चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे। कल से हमारे आएंगे नए नए ब्लॉग डेली, और अब आगे से मैं यहीं मिलूंगा बच्चों के साथ। हाँ जी, और दोनों चैनल चलाऊंगे, दोनों चैनल, उस पे भी आएंगे, बड़े चैनल पे भी आएंगे, कुलदीप सरोज पे भी और मुस्कान सरोज पे भी जाएंगे। मेरे बारे में और मेरी बीवी के बारे में जो बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, देखो मैंने किसी का बुरा नहीं करा और ना मैं किसी को परेशान करता, और किसी के लिए मैंने चैनल बंद कर दिया मैं, चलो भाई तुम ठीक रहो, तुम खुश रहो, तुम कमाओ, तो मेरे बारे में मत बोलो कोई भी, मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ ना, तो मेरे बारे में मत बोलो। जैसे मेरा नाम बदनाम कर दिया ये नशेड़ी है, मेरे को दिखा दिखा ब्लॉग में मेरा नाम बदनाम कर दिया, जो मैं हूँ नहीं, कोई करते हैं तो वो सामने नहीं आते। ठीक है यार, मैं अपना ड्रिंक करता हूँ, अपने अकेले में करता हूँ शाम को बैठकर, फिर ऐसे नाम बदनाम कर दिया मेरा, जैसे पता नहीं मैं तो कितना बड़ा नशेड़ी हूँ। तो गाइज नमस्कार, कल के ब्लॉग में आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा ए टू जेड।